तो हमारी कैब तो आ गई जी और अब बारी है विदा लेने का, और काफी अच्छा लगा इन लोगों से मुलाकात करके। ठीक है मम्मी जी, चलते हैं करते हैं मुलाकात फिर, कभी आइए हमारे घर। वो कामनी जी और उनके हस्बैंड आए हुए हैं छोड़ने के लिए, बैठ जाओ जी। तो अभी बज रहे हैं जी रात के 8:05 और इस समय हमें अचानक से मैसेज आया कि हमारा जो है टिकट कंफर्म हो गया घर जाने का। तो जिया भी आ गई है तो झटपट अपना सामान जो है पैक कर रही है, हम तो अपना पैक कर चुके हैं। फाइनली जी अब निकलने का समय हो चुका है, कैब भी आ चुकी है, तो सामान जल्दी जल्दी ले लेते हैं अपना। तो हमने मना लिया जी जन्मदिन, और काफी अच्छा रहा और काफी अच्छा लगा इनसे मिलकर। बिल्कुल, और स्पेशली मम्मी जी बहुत अच्छी हैं। मैं अभी सोच रही थी कि मैं पूछूं। नहीं, वो आपके घर की पिलर है और घर का पिलर तो हमें स्ट्रांग रहता है, और हम लोग जानते हैं कि क्षेत्र से आते हैं, जब सास ससुर का सपोर्ट नहीं हो तो ब्लॉगिंग करना और इस इंडस्ट्री में आना कितना मुश्किल है। और सबसे अच्छा क्या लगा, पूरी फैमिली जो है पूरा एंजॉय करती है, मजे करती है। हाँ जी बर्थडे बॉय, और उधर कामनी जी बात कर रही है। तो हमारी कैब तो आ गई जी और अब बारी है विदा लेने का, और काफी अच्छा लगा इन लोगों से मुलाकात करके। आते जाते एक सेल्फी हो जा रहा है। ठीक है मम्मी जी, चलते हैं। ठीक है कामनी जी, मिलते हैं फिर। क्रियांश का आज, क्रियांश के मई में जन्मदिन है, 1 साल पूरा हो जाएगा, तो आना आप लोगों कटिहार, पहले से ही टिकट कर लो आज से ही। 16 मई को, अच्छा ये जिया, चलते हैं टैक्सी आगे। ठीक है भाई साहब, करते हैं मुलाकात फिर, कभी आइए हमारे घर। किसकी तारीफ करूं, किसकी कमी? ठीक है जिया, चलते हैं। ठीक है बाय। तो टैक्सी आ गई है और क्रियांश को लेकर के खबर है कि अभी तक रो नहीं रहा है, उसी का डर था सबसे ज्यादा कि क्रियांश रोने ना लगे, तो चलते हैं। इससे पहले कि क्रियांश थोड़ा परेशान हो, ये वाला क्या है? वो कामनी जी और उनके हस्बैंड आए हुए हैं छोड़ने के लिए, बैठ जाओ जिया। धनवा का गिफ्ट देख लीजिएगा आप लोग भी। हाँ ये थे कामनी जी और उनके हस्बैंड अजीत जी। 20 minutes later तो हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं जी घर, वहां से तो हम लोग आ गए और अब सीधा चलते हैं अंदर। बाहर बहुत ही तेज ठंड है, और क्रियांश का हाल समाचार लेते हैं। ओए होए तकनी है ये देखो कौन है बाबू, गतिक ये भी देखिए, मामा को देखकर कितना खुश है। ओए गतिक, द नेक्स्ट डे। तो जी कल हम लोग आ गए कामनी जी के यहाँ से, जन्मदिन मन गया धनवा का और अच्छे से अटेंड कर लिया, खूब मस्ती हुई, बहुत मजा आया उन लोगों से मिल करके। और अभी हम लोग जो उठ गए हैं और अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 यहाँ पर जी, हमारे लिए सुबह का टाइम यही है, यही जब कटिहार में जाते हैं तो सुबह का टाइम चेंज हो जाता है, वहाँ पर 6 बजे 7 बजे करीब उठना होता है, और यहाँ पर जो 9 बजे उठते हैं तो उस समय भी लगता है कि कितनी जल्दी उठ गए, थोड़ा और सो जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि माहौल ही कुछ ऐसा है इधर। ये देख सकते हैं इधर इन दोनों का जो है ब्रेकफास्ट लग चुका है, फ्रूट सलाद चल रहा है लोग का, फल का सलाद चल रहा है लोग का, मजा आ रहा है, खाओ 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 जल्दी, तुम भी खा लो। वाह, दोनों को अभी डिस्टर्ब नहीं करते, खाने में व्यस्त है दोनों। यहाँ हमारा नाश्ता लग गया है जी, तो खा रहे हैं गरम गरम ब्रेड पकौड़ा, सुबह सुबह मजेदार नाश्ता हो गया है, और इस पकौड़ा को खाने के बाद हम लोग को कहीं बाहर भी जाना है। आपको जाना है, हमको नहीं। तो हम लोग मतलब क्या हुआ, हम और लड्डू, तुम नहीं हो उसमें। ठीक है, लड्डू क्या बोल के आया है अभी? क्या बोल के आया? इसमें आलू नहीं है। अच्छा, हम क्या दे रहे आलू तुमको। घर से जी बाहर आ गए हैं, पीछे खाली सा मैदान था, वहाँ पर आ गए प्रैक्टिस करने के लिए, और यह जो खाली सा मैदान आपको दिखा देते हैं, अच्छा खासा एरिया मिल गया प्रैक्टिस करने के लिए, और यह जो एरिया है ये भाई साहब का है, अपना नाम बताइएगा। शुभम त्यागी नाम है मेरा। शुभम त्यागी नाम है, अच्छा ये भाई हमारे यही प्रैक्टिस करते हैं। हाँ हाँ, ड्रोन उड़ाने की।
और यहाँ पर आप शायद बता रहे थे कि फार्म हाउस बना रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, यहाँ 4-5 महीने में फार्म हाउस का काम चालू हो जाएगा। अच्छा, जिसको अच्छा। जो भी बुकिंग करनी है, ये बिल्कुल मेन मार्केट राजनगर एक्सटेंशन के अंदर फार्म हाउस बनेगा आपका। ओके, ओके। BYOB के बिल्कुल साइड में। अच्छा, वो कमर्शियल रहेगा। हाँ जी हाँ जी, आपको यहाँ 500 की गैदरिंग से लेके 2500-3000 की गैदरिंग तक का ये फार्म हाउस बनेगा, और इसके अंदर हम 5000 गाड़ियों की पार्किंग देंगे। अच्छा जी, जो सबसे ज्यादा यहाँ प्रॉब्लम गाड़ियों की पार्किंग की होती है। हाँ। और वो हम जो है ना पहले से ही जो सोच के चल रहे हैं कि गाड़ी किसी की बाहर नहीं खड़ी होगी, बाहर नहीं खड़ी होनी चाहिए। जो भी जितनी भी गाड़ी होंगी सब अंदर खड़ी करेंगे। चलिए सही है जी। ये हमारे बाबा जी हैं। अच्छा, हमारे ग्रैंडफादर साहब। ग्रैंडफादर साहब है, यही रहते हैं भट्टे पे। हाँ, ये किसान है। अच्छा अच्छा, चलिए अच्छा है जी। सरसों अभी बोई है। ये जो पूरा इलाका है, पहले तो पूरा खेत होगा ये? हाँ जी हाँ जी, पूरा खेत था ये। आज से 7-8 साल पहले यहाँ पूरी खेती होती थी। यहाँ भट्टे थे, हमारा भी भट्टा था यहाँ। अच्छा अच्छा, जो ये जगह है ना, यहाँ भट्टा बना हुआ था। तो यहाँ ईंट बनती थी, ईंट का भट्टे थे। ओके ओके, अब यहाँ धीरे धीरे सोसाइटी बस रही है बोलते थे। ओके हाँ जी, अब फिर ये सोसाइटी बन गई। अब यहाँ टोटल जितनी भी सारी है ये सोसाइटी आ चुकी है। अच्छा चलिए जी, ठीक है। और उधर से जिया भी आ रही है, लड्डू भी आ रहा है। ये हमारी वाइफ हुई। हाँ, ये हमारी वाइफ है, ये हमारा भांजा हुआ। हाँ जी हाँ जी, इन्हीं का ये सारा। हाँ हाँ, तो अब ऐसा करते हैं जी, एक जो है ड्रोन फुटेज ले लेते हैं, सभी लोग आ जाएंगे और बाबा भी देखना चाह रहे हैं कि आखिर कैसे उड़ता है, कैसे काम करता है। बिल्कुल, तो दिखा देते हैं। बाबा जी ने कहा कि एक बार हमें उड़ा के दिखाओ कि ऊपर से कैसा आता, कैसा आता है। तो ठीक है जी, तो दिखाते हैं। उससे हमारा जो है मुश्किल से 2 दिन हुआ है चलाया हुआ, अब जैसा व्यू आए देख लीजिएगा आप। जी जी बिल्कुल। तो अभी बज रहे हैं जी रात के 8:05, और इस समय हमें अचानक से मैसेज आया कि हमारा जो है टिकट कंफर्म हो गया घर जाने का। तो अब जो है फाइनली चल रहे हैं, और बिल्कुल भी हमें उम्मीद नहीं थी। आराम से निश्चिंत होकर के जो है उस रूम में लेटे हुए थे। जिया गए हुई थी मार्केट नैन्सी दीदी के साथ कुछ खरीदारी करने के लिए, फिर अचानक से जिया का कॉल आता है कि आपका जो टिकट कंफर्म हो गया, नैन्सी दीदी के मोबाइल पर मैसेज आया है। हम भी शॉक हो गए, क्या हो गया ये, क्योंकि एक और ट्रेन का टिकट हमने कटाया था, उसका मैसेज आया था 4:00 PM। तो 4:00 PM जो उसका मैसेज आया था वो कंफर्म नहीं हुआ, तो हम सोच लिए थे कि ये भी कंफर्म नहीं होने वाला है। लेकिन चलिए जी, फाइनली कंफर्म हो गया है और जा रहे हैं, और जल्दी जल्दी हमारी पैकिंग हो रही है। हम मम्मी मिलकर सब लोग अपना कर रहे हैं, उधर पापा जो है क्रियांश और वो गति को पकड़े हुए हैं, और तब तक हम लोग जल्दी जल्दी अपना सारा सामान समेट रहे हैं। जिया भी भागी भागी आ रही है, नैन्सी दीदी भी भागी भागी आ रही है। इन लोगों का छूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, हम अपने पोता का सारा सामान। ठीक है। तो यहाँ पर गति और क्रियांश जो है एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं इस ए के लिए। ओए क्रियांश, ओए गति। और ये अपने मुंह में ले रहा है, फिर गति को उससे छीन रहा है। फिर इसके पास दे आता है, फिर क्रियांश वो लेने जाता है। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है तुम दोनों? ओए, अब क्रियांश के पास आया, अब क्रियांश उसको छीनेगा। ये देखिए, यही चल रहा है तब से, और गति इंतजार कर रहा है उसके साइड आएगा, फिर वो छीनेगा। आ गया गति के हाथ में, अब वो छीन लेगा। ये लो। गति का कप लो। गति का कप है ये, क्या करेंगे उसका कप लेके? अच्छा ठीक है। तो जिया भी आ गई है, तो झटपट अपना सामान जो है पैक कर रही है। हम तो अपना पैक कर चुके हैं, जिया के सामान को टच नहीं किए। और क्या, मेरा पैक देख लो सारा ट्रॉली। और यहाँ पर जो है झटपट कुछ खाना बन रहा है कि कुछ हम लोग खा करके निकल जाए। मशरूम कटा हुआ है, जल्दबाजी में ही बन सकता है। ठीक है, कुछ नहीं। फाइनली जी, अब निकलने का समय हो चुका है, कैब भी आ चुकी है, तो सामान जल्दी जल्दी ले लेते हैं। अपना झोला ही बचा है और कुछ नहीं ना? वो कहाँ गया जिया? अरे ठीक है, चलो आ जाओ जिया। अच्छा, बाबा गोद में भाग रहा है। चलो चलो, गाड़ी चलने लेते हैं यार। जी गाड़ी आ गई है, गाड़ी इधर आएगी, सारा सामान जो उस पर चढ़ेंगे और उसके बाद जो है चलेंगे हम लोग। तो फाइनली जी, हम पहुंच गए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, और एक भाई साहब को कर लिया, ये सामान ले लिया है, क्योंकि तो बहुत ज़्यादा सामान था, एक्चुअली भाई साहब मिल गए, और अपना भी सारा सामान सब जो है सब कुछ लिया हुआ है हाथ में। तो यहाँ से चलते हैं सीधा प्लेटफॉर्म पर, 15 नंबर प्लेटफॉर्म है। हमारे हाथ में अभी अच्छा खासा समय है, लगभग 1.5 घंटा के करीब है हमारे हाथ में समय। हड़बड़ी वाली कोई बात है नहीं, ट्रैफिक भी ज़्यादा हम लोगों को मिला नहीं, और क्रियांश तो अभी मज़े में है, घूम रहा है, सोच रहा है घूमने मिल रहा है इसको,
लेकिन जानते हैं रात में ढूंढेगा अपने दादी सबको, फिर रोएगा बहुत तेजी है। तो फाइनली जी हम लोग बैठ गए ट्रेन में और अच्छे से सब कुछ हो गया एडजस्ट, और हम लोग को जो है थोड़ा सा डिले इस वजह से हो रहा था जाने में कि हम लोग सीट ढूंढ रहे थे कि ढंग का मिल जाए, क्योंकि क्रियास रात में तो परेशान करेगा ही करेगा। यहाँ पर जो है सामान रखने का कोई दिक्कत नहीं रहा और घूमने सब में भी ज्यादा हो गया था बिल्कुल। और क्रियांश को देख सकते हैं, उनको एक दीदी मिल गई है, उनके साथ वो बैठ के आराम से खेल रहा है वो, और जब से आया ट्रेन में उधर ही है वो, इधर आना भी नहीं चाह रहा है वो, घुसते ही भाग गया। वही क्रियांश, हेलो, हाय। क्रियांश आ गया है यहाँ पर और अपना जो है सेब खा रहा है ना। वही क्रियांश, वही इधर रखे क्योंकि ये क्या करता है, उठा के नीचे फेंक देता है। तो यहाँ पर बाउंड्री दिया गया है ताकि फेंक नहीं पाए। पकड़े हुए आपको आजकल सिखाई कैसे करता पता आपको, The next day. अभी बज रहे हैं जी सुबह के 11:15 और क्रियांश जो है सो करके उठ गया है लगभग कुछ देर पहले ही, सो करके उठा एक बार फिर सोया और फिर उठ गया ये, और हमारा नींद जो है किस्तों में पूरा हो रहा है। आज क्रियांश पापा बोला ना, पापा बोला है क्या जब दूध आप बना रहे तो पेपे? हम तो नहीं सुने ऐसा कुछ, आप नहीं सुने लेकिन बोला ये। चलो जब ये बोला तो दोबारा कभी ना कभी बोलेगा ही फिर। तो अभी ट्रेन रुकी हुई है जी मुगल सराय में, तो मुगल सराय में जो है रुक करके थोड़ा सा जो है हम लोग अपना खाने के लिए ले लिए, तो इधर लिया है हमने संतरा और साथ में लिया है पपीता और साथ में लिया है अमरूद, तो फल जो है अच्छा खासा ले लिया है। और संतरा जो है क्रियांश को पता नहीं दे सकते है कि सर्दी ना लग जाए, बस वही डर लग रहा है। नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, चलो कोशिश करते हैं। तो हम लोग जी कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे कटिहार रेलवे स्टेशन, हम लोग जो है सारा सामान लेकर के आ गए हैं बाहर, यहाँ पर सारा सामान रख दिया है। और क्रियांश जो है पिछले लगता है 2-3 घंटे से खेल ही रहा है, अब बैठ करके सीधा जाएगा दादी घर, वहाँ भी खेलेगा अपना। जोर मचाया है इसको, चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट चाहिए। क्रियांश इसको क्या किया कि एक चॉकलेट खिला दिया 5 स्टार, जब से खा लिया कहता है मैं वही खाना है, थोड़ा सा खिलाई थी उससे बस, चटाई थी बस, तब से उसको पूरा चाहिए। हां चलो दादी से ले लेना, दादी के पास बहुत सारे चॉकलेट है बेटा। ठीक है, नींद भी आ रही है लेकिन सोना भी नहीं है। तो फाइनली जी हम पहुंच गए हैं अपना कटिहार रेलवे स्टेशन और हम लोग यहीं पर अब उतरेंगे। कुछ कुली भाई साहब को ढूंढ रहे हैं, अगर मिल जाएंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि सामान अच्छा खासा है हमारे पास।